हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूं आज गुलदावरी के प्लांट। आप लोग देख सकते हैं इनकी हालत कैसी हो गई है। और आज मैं इन्हीं में से छांट के जो भी बची हैं इस तरह की गुलदावरी के जो प्लांट हैं उनको मैं निकाल के अच्छी तरीके से लगाऊंगी। आप लोग इनकी कंडीशन देख लीजिए, फिर मैं बाद में इनको दिखाऊंगी। तो आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे मैंने इनको पहले स्टोर किया था और जो है उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ इनकी कटिंग लगा दूँ ताकि ये आने वाले टाइम में फ्लावरिंग भी अच्छी कर सके और ये प्लांट भी अच्छी तरीके से तैयार हो सके। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको सही करने। मतलब इसमें घास वास बहुत ज़्यादा उगाई है, बारिश के टाइम में हर गमले में घास बहुत ज़्यादा उगाती है। और गुलदावरी के जो प्लांट हैं वो कुछ सूख भी गए हैं और कुछ सही भी हैं। जो इस तरह के हैं जो हरे भरे हैं अच्छे हैं तो उनको मैं लगाऊँगी केवल निकाल के। मैंने इसीलिए स्टोर किया था और लगा कि मैं इस साल इनका रिजल्ट देखना चाहती हूँ कि किस तरह से इस पर फ्लावरिंग आती है। तो आप लोग बने रहिएगा आज मेरे वीडियो में, आप लोगों को मैं हर चीज़ दिखाऊंगी भी और बताऊंगी। चलिए इनको सही करते हैं। इनको सबसे पहले क्या करूंगी, गमले से निकालूंगी, फिर ये घास और जो भी फालतू की चीज़ें वो हटा के और सिर्फ गुलदावरी की जो कटिंग है वो सिर्फ लगाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो एक पॉट का मैं सही करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो जो हरी डंडी कलमें होती हैं उनको हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए जैसे ये है इसको यहाँ से काट लेना है, इस तरह से निकाल लेना है। अब इस टाइम पे ये गुलदावरी की कटिंग लग रही है तो हमें लगानी है क्योंकि आने वाले टाइम में अच्छी फ्लावरिंग करें। तो जो सही है गमले में बहुत सारी इस तरह की देखिए सूखी पत्तियों वाली हैं उनको सबको हटा देना है, सिर्फ ग्रीन वाली निकाल लेना है। इस तरह से कलमें बना लेनी है, इस तरह से ये देखिए दो बना लिया है। और भी इसमें जो भी हरी डंडी है वो सब हटा देना है। ये जो घास वास फालतू की जमी है इसको भी हटा देना है। और ये देखिए इस तरह से कलमें निकाल लेना है और ये सूखी पत्तियाँ ये हटा देना है। एक पॉट का मैं बता दे रही हूँ, फिर मैं लगा के आपको लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए टहनी टहनी है इसको काट लेना है इस तरह से। अभी से इसको लगा देंगे तो ये ग्रोथ अच्छी कर जाएगी, आने वाले टाइम में फ्लावरिंग भी अच्छी देगा। इस तरह से कलमें निकाल लेनी है ये देखिए इस तरह के। और इसको भी पॉट को भी सफाई कर देना है, इस तरह से साफ कर देना है इसको। जो ख़राब डंडियां हैं जो पत्तियां ख़राब हैं उनको सबको हटा देना है क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से ये सड़ जाते हैं। ये देखो इस तरह की डंडियां हटा देना है। देखिए जड़ इसकी निकाल लेना है इस तरह से और इसको मिट्टी झाड़ लेनी है। इस तरह से पॉट को साफ कर लेना है। ये देखिए मैंने साफ़ किया, देखिए इस तरह से पॉट को साफ कर लेना है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम जो कटिंग निकाले हैं उनको इस तरह से दबा दबा के लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे ताकि ये आने वाले टाइम पे अच्छी फ्लावरिंग दे और अच्छी ग्रोथ भी करे। तो जिस पॉट की जिससे निकालनी है उसको उसी में लगा देना है, इस तरह से लगा देना है। ये जो मैंने जड़ें निकाली हैं इनको भी आप चाहे तो छोटी इनकी जड़ें जो है थोड़ी सी काट सकते हैं, इस तरह से छोटी करके इनको लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से बंडल बना लेना है आपको। और इनको क्या करना है अभी मैं बता रही हूँ, इनको फेंकना नहीं है आपको, इनको भी लगाना ही है। लेकिन कैसे लगाना है, इनकी जो रूट्स है वो थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे तो रूट्स इनकी छोटी हो जाएंगी। इस तरह से हटा देना है, जो बड़ी बड़ी इनकी जड़ें हैं वो हटा देना है और इस तरह से कर लेना है। और इसको इसी में इसी पॉट में लगा दीजिए किनारे इस तरह से। ये देखिए ये पॉट बन गया, एक रेडी हो गया। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी आपको लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है और
इसमें जो खराब पत्तियां हैं वो हटा देना। आपको इसी तरह सारे पॉट तैयार कर लेना। तो चलिए मैं इसी तरह सारे पॉट को तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आप इस तरह से भी देखिए लगा सकते हैं, सेलो पॉट में तो और अच्छी तरीके से लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। बारिश के टाइम पे मैंने इस तरह से लगाया था और बहुत अच्छी ग्रोथ भी हुई थी। अब मैंने उनको सेपरेट कर दिया है, लेकिन इसमें भी मैंने लगा दिया ताकि बहुत अच्छी ग्रोथ हो। पॉट में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट आते हैं, आप सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं, जैसी इच्छा हो वैसे आप लगा लीजिए। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। दोस्तों मैंने लगा दिया है, और आप चाहे गुच्छे बना के लगा सकते हैं, एक साथ लगा दीजिए या फिर अलग अलग इस तरह लगाइए। देखिए मैंने अलग अलग भी लगाया है, अलग अलग कलम बना के मैंने लगा दिया है, और ये आने वाले टाइम पे ये तैयार हो जाएगी। फिर मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग कर दूंगी, मतलब अलग गमले में सेपरेट कर दूंगी। इसमें करना क्या है, अब आपको पानी डाल देना, पानी डाल के बस ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देना है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गुलदावरी की कटिंग कैसे लगानी है, और कटिंग लगाते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो जिसकी जड़ें होती हैं वो फेंकना नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कर देना है, ताकि वो जो है आने वाले टाइम पे वो भी ग्रोथ कर जाए। तो अब इसका सीजन आ गया दोस्तों, ये कैसे भी लगाइए, बहुत आसानी से ये लगने वाला प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। मिट्टी नई बना के लगा सकते हैं, या फिर उसी पॉट में जो मिट्टी है उसी में भी लगा सकते हैं। ये वाली मिट्टी मैंने देखिए नई बनाई, इसमें राइस खस्क वगैरह मिला दिया है थोड़ा सा, और ये देखिए इधर है, इधर पड़ी हुई, ये देखिए थोड़ा सा मैंने राइस खस्क मिला दिया है, ताकि जो इसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रहे। तो ये वाले प्लांट हैं, इनको भी मैं ऐसे ही ठीक करूंगी। तो अगर आपने गुलदावरी के जो प्लांट है वो स्टोर किए थे, तो आप लोग अभी इस टाइम पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। वैसे बारिश के टाइम पे भी कटिंग लगाई जाती है, और सीजन में भी कटिंग लगाई जाती है। तो आप लोग अगर गुलदावरी की कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आप इस तरह से सही कर सकते हैं। बस आपको करना क्या, ध्यान क्या देना है, ज़्यादा पानी नहीं डेली छोड़ना है इसमें, इसको किनारे रख देना है, फुल धूप में नहीं रखना है, हल्की ब्राइट लाइट मिले ऐसी जगह आपको रख देना है। अगर बारिश हो रही है इस समय तो आप ओपन एरिया में आप रख दीजिए इसको, और जो है फिर उसके बाद में देखिएगा 15 दिन पे इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।